रीता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जिस वक्त आप इस बीमारी से जूझ रहे थे, तो अपने आप को आपने भरोसा और संबल कैसे दिया, क्योंकि लोग इस बीमारी को सुनते ही बहुत डर जाते हैं। देखिए, मैं एक क्रिश्चियन बिलीवर हूँ। मेरे पास एक बाइबल ही था और कोई आदमी से मिलजुल नहीं सकते थे, क्योंकि नर्स लोग, डॉक्टर लोग हमारे कमरे के बाहर से मुझसे बातचीत करती थी, तो मुझे बहुत दुख लगा। लेकिन जो बाइबल मेरे हाथ में था, वो मेरे सबसे बड़ा कंफर्ट था। बाइबल पढ़कर मैं इतना कम्फर्ट पाया कि यीशु मसीह मेरे साथ है, वैसा मुझे महसूस हुआ। लेकिन आपने क्योंकि बाइबल का जिक्र किया, और मैं इससे पहले भी यही सवाल पूछ चुकी हूँ अनीता जी, बाइबल से आपको ऊर्जा मिली होगी, पॉजिटिविटी मिली होगी, वो ताकत मिली होगी भीतर से लड़ने की इस वायरस से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों के आगे, पूरी दुनिया के आगे फिर वही बात कहें कि आपको ऊर्जा भले ही किसी धार्मिक किताब से मिलेगी, लेकिन इलाज साइंस से ही मिलेगा, डॉक्टर्स से ही मिलेगा। वो तो सही होगा, लेकिन जो चंगा करने वाला है वो यीशु मसीह है। मेरी तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है, मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो वो वचन मुझे बहुत तसल्ली दिया, बिकॉज आई कैन ओनली, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस ही बोल सकती हूँ। क्योंकि जब अकेलापन रहा महसूस हुआ था, मुझे कभी कभी आंसू भी आ रहा था, क्योंकि बहुत आइसोलेशन में है। चाहे हम हमारे परिवार लोग से व्हाट्सएप में बात करते हैं, फिर भी हमको अकेलापन महसूस हुआ था, क्योंकि कोई भी डॉक्टर भी हो, हमरे से बाहर से 4 मीटर 5 मीटर दूरी से हमसे बात करती थी, करते थे, तो हम बहुत दुख लगा। तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, शायद इलाज तो होता है, लेकिन चंगाई हमारा ऊपर वाला से ही होता है, वो मेरा यीशु मसीह मुझे चंगा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, और हम उम्मीद करते हैं कि वो सारे लोग जो इस वक्त घर पर बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं नमस्ते भारत के जरिए, उन्हें एक संदेश मिला होगा कि यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू डोंट नीड टू पैनिक, और अपना ख्याल रखें। डॉक्टर पर भरोसा रखना है आपको, डॉक्टर जो इलाज कर रहा है ना, उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर आपको सिम्टम के बेसिस पर पैरासिटामोल दे रहा है, सांस की बीमारी के लिए एक दवाई दे रहा है, और मलेरिया की दवाई दे रहा है, इन तीनों का